ओके तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राम स्टेनिंग को कवर किया था, जो कि एक डिफरेंशियल स्टेनिंग है। आज के लेक्चर में हम एक और डिफरेंशियल स्टेनिंग को कवर करेंगे, जिसका नाम है एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है? तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर से स्टेन नहीं होते हैं, या ग्राम स्टेनिंग से भी स्टेन नहीं होते हैं, क्योंकि इनके सरफेस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कवरिंग होती है, जिसकी वजह से स्टेन जो है वो इनके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता और स्टेन नहीं कर पाता। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टेन करने के लिए एक अलग टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसको हम एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग जो है वो सबसे पहले पॉल अर्लिच ने 1883 में डिस्कवर किया था इस स्टेनिंग को। फिर आगे दो साइंटिस्ट और थे, जिल और निल्सन, इन दोनों ने मिलकर इस स्टेनिंग टेक्निक को और आगे मॉडिफाई किया था, इसीलिए इस स्टेनिंग को जिल निल्सन स्टेनिंग भी कहा जाता है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी में, क्योंकि ये एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करती है। अब क्वेश्चन है कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? तो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्राइमरी डाई को रिटेन करके रखते हैं। एसिड फास्ट स्टेनिंग में जो हम स्टेन्स यूज़ करते हैं, उसमें जो प्राइमरी डाई है उसको ये ऑर्गेनिज्म रिटेन करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, और ईजिली डिक्लराइज नहीं होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके नहीं रख पाते और ईजिली डिक्लराइज हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, आइए हम प्रिंसिपल में समझते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके सरफेस पर एक वैक्सी कोटिंग होती है, एक वैक्सी कवरिंग होती है, और हाईली लिपिड कंटेंट होता है जो माइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है। तो इसकी वजह से इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की परमिबिलिटी है वो बहुत ही लेस होती है, बहुत कम होती है, जिसकी वजह से कोई भी सिंपल स्टेन जो है वो इनकी सेल वॉल में पेनिट्रेट करके स्टेन कर ही नहीं सकता। तो हमें एक ऐसे स्टेन की ज़रूरत होती है जो इस बैक्टीरिया की सेल वॉल की परमिबिलिटी को इनक्रीज़ करे, ठीक है? तो हम यूज़ करते हैं कार्बन फ्यूशन। कार्बन फ्यूशन एक मिक्सचर होता है बेसिक फ्यूशन और फिनॉल का। इसकी एक खास बात ये होती है कि सेल वॉल में जो वैक्सी कोटिंग है, जो वैक्सी कवरिंग है, उसको ये सॉल्युबलाइज करता है, ताकि जो स्टेन है वो पेनिट्रेट करे और कलर दे, ठीक है? और इसके साथ साथ हीटिंग भी करते हैं, जिससे जो सेल वॉल में जो लिपिड है, वैक्स है, वो सॉफ्ट हो जाए, और जिसकी वजह से जो कार्बन फ्यूशन है वो ईजिली अंदर चला जाए। इसके बाद जब हम डिकलराइजिंग एजेंट से ट्रीट करेंगे इन बैक्टीरिया को, तो ये डिकलराइज नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखा है, ठीक है? ये ईजिली उन स्टेन को रिमूव नहीं करते हैं और डिकलराइज नहीं होते हैं। जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, उनके सरफेस पे कोई लिपिड कंटेंट, कोई वैक्सी कोटिंग ना होने की वजह से वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके नहीं रख पाते हैं, और ईजिली जो है स्टेन वो रिमूव हो जाता है डीकलराइजर यूज़ करने पर। तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है वो प्राइमरी स्टेन को जब वो रिटेन करके नहीं रख पाते हैं तो वो कलरलेस हो जाते हैं। तो उन्हें हमें स्टेन तो करना पड़ेगा, तो उन्हें काउंटर स्टेन से स्टेन किया जाता है। तो चलिए एक बार प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक स्लाइड पर हमें वायर लूप की हेल्प से स्मेयर प्रिपेयर करना है, और फिर उस स्मेयर को हमें एयर ड्राई और हीट फिक्स करना है। हीट फिक्स करने के बाद स्मेयर पर हमें जडन स्टेन को फ्लड करना है। फ्लड करने के बाद हमें फ्लेम की हेल्प से उस स्लाइड को हीट करना है। ये हीटिंग हमें कंटिन्यूसली नहीं करनी है, ये हमें थोड़ी थोड़ी देर पर करनी है ताकि फ्यूम्स निकलने लग जाए। और फिर हमें स्लाइड को 3 to 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हमें स्लाइड को डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है, और फिर हमें उस स्मेयर को डिक्लराइज करना है। डिक्लराइज करने के लिए हम 20% सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं एज अ डिक्लराइजिंग एजेंट 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। इसके बाद हमें स्लाइड को फिर से डिस्टिल वाटर के साथ वॉश करना है, और फिर एंड में स्लाइड को काउंटर स्टेन से स्टेन करना है 1 to 2 मिनट के लिए। काउंटर स्टेन में हम मिथिलीन ब्लू और मेलाकाइट ग्रीन का यूज़ कर सकते हैं। और फिर 2 मिनट के बाद स्लाइड को डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। इसके बाद स्लाइड को एयर ड्राई करके
माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्जन पर स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक में सबसे पहले जो हम प्राइमरी स्टेन यूज़ करते हैं वो है कार्बल फ्यूजन। कार्बल फ्यूजन एक मिक्सचर होता है बेसिक फ्यूजन और फिनॉल का। इसकी एक खास बात ये होती है कि सेल वॉल में जो वैक्सी कोटिंग है, जो वैक्सी कवरिंग है, उसको ये सॉल्युबलाइज करता है, जिसकी वजह से ये सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके उसको कलर देता है, ठीक है, रेड कलर। इसके बाद सेकंड स्टेप में जब हम डिक्लराइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है कि स्मेयर में से प्राइमरी स्टेन को रिमूव करने की कोशिश करता है, उसको अनस्टेन करने की कोशिश करता है। तो जो वो ईजिली डिक्लराइज नहीं होते हैं क्योंकि उनके सरफेस पे काफ़ी ज़्यादा लिपिड कंटेंट होने की वजह से, वैक्सी कोटिंग होने की वजह से वो अपना कलर रिटेन करके रखते हैं, अपने कलर को रिमूव नहीं करते हैं। जबकि जो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं उनके सरफेस पे कोई लिपिड कंटेंट नहीं है, कोई भी वैक्सी कवरिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके नहीं रख पाते हैं और ईजिली डिक्लराइज हो जाते हैं। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि इस टेक्निक को एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक क्यों बोलते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके सरफेस पर वैक्सी कवरिंग होती है, काफ़ी लिपिड कंटेंट होता है जो माइकोलिक एसिड और ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग एसिड से भी डीकलराइज नहीं होते हैं। तो इसीलिए ऐसे बैक्टीरिया को हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। तो स्पेशली माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ को स्टेन करने के लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ में जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे जो कि लेप्रोसी कॉज करता है, तो ये दोनों ही एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा और भी एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस, एक्टिनोमाइसिटिस, नोकार्डिया, कुछ बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर के साथ डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशल स्टेनिंग को कवर करेंगे। थैंक यू।